और एक खबर आपके काम की। सरकार ने दूर संचार बिल का मसौदा जारी किया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आपको व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर कॉल या मैसेज करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। क्या व्हाट्सएप कॉल पर भी लगेगा पैसा? क्या व्हाट्सएप फेसबुक कॉल अब नहीं होगा फ्री? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार एक बिल ला सकती है जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कॉल या मैसेज भेजने को टेलीकॉम सर्विस माना जाएगा और इसके लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस पर राय जानने के लिए दूर संचार बिल का मसौदा जारी कर दिया गया है। मतलब ये कि व्हाट्सएप के जरिए अगर आप लोगों से बात करेंगे या मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि ये सेवा अब आपके लिए फ्री ना हो। देश की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात की शिकायत करती रही हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उपभोक्ता को मैसेज और कॉल करने की सुविधा देते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। इन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये सेवाएं टेलीकॉम सेवा के तहत आती हैं। अब इसी पर लोगों की राय जानने के लिए बिल के मसौदे को सार्वजनिक किया गया है। 20 अक्टूबर तक इस बिल के प्रावधानों को लेकर लोग अपनी राय दे सकेंगे। लोगों की राय मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा। दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में डिजिटल सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार दूर संचार बिल के अलावा निजी डेटा सुरक्षा बिल और डिजिटल इंडिया बिल के मसौदे पर भी काम कर रही है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्रस्तावित बिल में ऐसे अपराधों की सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित बिल में एक और अहम प्रावधान ये किया गया है कि कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अब आसानी से हो जाएगी। इसके लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ। कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।